हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं। मतलब अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और अब कोरा कोरा सा होने लग गया है सारी जगह। तो आजकल गढ़वाल में बस बारिश ही बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश हो रही है, सुबह शाम बारिश। और हम बहुत परेशान हो गए हैं बारिश से भी। तो सामने पे वही मेरी सिस्टर का ससुराल और फिर ताऊ जी लोगों का घर है, फिर हमारा घर। तो इतना ही देखिए, इतना ही अंतर है मेरी सिस्टर के ससुराल में और मेरे ससुराल में। तो और अब करते हैं क्या कहते हैं, अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी यानी नाश्ते की तैयारी। तो जैसे कि आज बारिश हो रही है, मौसम भी ठंडा है, तो मैंने सोचा, मतलब मैंने घर वालों को सबको बोला कि आज मैं नाश्ते में बनाऊँगी पकौड़ी और चाय चलेगी आज नाश्ते में। तो सब रेडी भी हैं क्योंकि भाई ठंडा मौसम होता है ना, तो सबको मज़ा आता है चाय पकौड़ी खाने में। और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, हरा हरा सा होने लग गया है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है तो घास उगने लग गई है। तो अब बहुत अच्छा व्यू आएगा और अच्छा भी लग रहा है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना, तब तो बड़ा गंदा सा लग रहा था। सामने जो पहाड़ दिखते थे ना, तो ये थे काले काले दिखते थे क्योंकि लोगों ने आग लगा दी जंगलों में, तो वैसे भी काले हो गए हैं। और फिर अब बारिश हो रही है तो अब हरे हरे होने लग गए हैं क्योंकि घास उगने लग गई है। तो चलिए फिर चलते हैं, नाश्ते की तैयारी करती हूँ मैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि भाई आलू के पकौड़े बना रहे हैं, प्याज के पकौड़े। तो चलिए फिर, ये है आग जलाने का जुगाड़ गाँव का, कि सारी लकड़ियाँ भीग गई है ना, तो इससे लगाएंगे आग। अरे के वो लेके आओ ना, क्याड़ लेते क्याड़ कहाँ से लाऊं मैं, क्याड़ यहाँ पे मैंने निकाली। ये आलू प्याज है और तब तक मैं इनको काट लेती हूँ जब तक ये आग जलाएंगे। थैंक यू। इसमें ना सिलाप आ गई लकड़ियों में, भीग गई है ना, चक्कर में जल नहीं रही। हमने सारी तैयारी कर ली है, इधर रख दी है कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और ऑयल गरम होता रहेगा यहाँ पे, तब तक मैं सारी तैयारी करूंगी। आलू प्याज हमने काटे, प्याज थोड़े कम काटे क्योंकि भाई महंगाई का जमाना है, तो लॉकडाउन में 40-50 रुपए किलो मिल रहा है यहाँ गाँव में प्याज, तो उसने प्याज की क्वांटिटी कम और आलू की ज्यादा रखी है। और इधर ये बेसन है, तो मैं अभी पहले घोल तैयार करती हूँ। पहले तो मिल ही नहीं रहा, पहले तो मिल नहीं रहा, सही बात है, पहले तो कुछ मिल भी नहीं रहा गांव में। तो उसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक, और हल्दी, नमक और ये हल्दी भी मैंने डाल दी है, और मिर्च मैं बाद में डालूंगी, पहले अक्कू के लिए निकाल देंगे ना। मैं रेडी, और पहले निकालेंगे अक्कू के लिए, तो उसमें से पहले थोड़े आलू डाल दूंगी। और ये है पहाड़ी स्टाइल में, इस तरीके से। वैसे जैसे ये घोल बना दिया तो वैसे डिप करके भी डाल सकते हैं, पर मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। तो पहले अक्कू के लिए बिना मिर्च के निकाल देंगे क्योंकि अक्कू फिर खाएगी नहीं है। तो उधर अक्कू के लिए बन रही है पकौड़ियाँ और फ्राई हो रही हैं, तो मैंने इसमें डाल मिक्स कर दिया घोल में मिर्च मिक्स कर दिया। और अब हम डाल देंगे इसमें ये। मम्मी पापा आपसे प्यार नहीं करते ना, मैं करती हूं आपसे प्यार। सही कहा आपको ना, बिल्कुल। आपको तो मेरी क्या है, प्रिंसेस है आपको मेरी, है ना। क्या नहीं करते पापा, हैं? क्या नहीं करते आप मम्मी से? तो मैं मम्मी की प्रिंसेस परी हूं। परी कैसी परी? यहाँ पे आओ, इधर आओ, अब बोलो क्या हो आप मम्मी की प्रिंसेस परी? डाल, सारा डाल दे। डाल दिया, ये पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो ये सब फर्स्ट पकौड़ियाँ यही हैं, तो अभी थोड़ा सा चूल्हे पे पूछेंगे, कुछ करेंगे तो मम्मी जी करेंगी। आ रही है मम्मी जी, तो तब तक मैं और डाल दूँ।
पापा तो अब मम्मी जी आ गई हैं और माँ क्या कर दें चुल पर है, मतलब पहले पकौड़ी की तरफ दम ये चुल पर है अग्नि माता पर तो ये अग्नि माता के लिए रखा जाता है सबसे पहले और पूजा भी तो छह जाना चुल हाँ, चुल ना पूजा कर बन जवाई तो आज हम पकौड़ी के बनाने अब मैं तो जम तक खाना तो होगा ना बनाने चो खाना तो होना बनाने आज ठंडो नहीं मौसम क्या यहाँ जो बनता है ना बनाने मुझे पकौड़ी खानी हाँ हाँ दादी दे रही है आपको ये तो पूजा की है ये तो पूजा पूजा के लिए दादी ने अलग निकाल दी है पूजा कहाँ है वो तो पौड़ी में है कैसा हो रहा अच्छा है अच्छा अब मैं इसे निकाल दूंगी तो ये देखिए बन गई है पहाड़ी स्टाइल में पकौड़ी तैयार हो गई है हमारे पकोड़े और गर्मा गर्म चाय तो अब चलते हैं नाश्ता करते हैं ऊपर वाले रूम पे चलते हैं चलो आपको आपको गिर गई ना बिल्ली बिल्ली अपने अपने घर जा रही है क्या अभी आ गए हम अपने रूम में ऊपर वाले में और ये हैं पकोड़े साथ में है गर्मा गर्म चाय और ठंडा सा मौसम हो रहा है तो बहुत ही मजा आ रहा है तो पापा ने कहा था हम गाँव जा रहे हैं हाँ, आज सुबह ना आपने मुझे लिस्सी खेल ले जाया मैंने कहा मुझे दादी के पास जाना कैसी हो रही पकौड़ी पकौड़ी सही हो रही नमक कम है बस इधर सामने कैमरे पे बोल लो नमक कम है बनाना नहीं आता आप भी इसमें 50% के हक वो मैंने सिर्फ प्याज काटा आलू काटा बाकी नमक मिर्च मसाला मैंने नहीं डाला ठीक है जब नहीं आता बनाना तो बोल सकते हो कि तुम बना दो और यहाँ पे हम स्टील के ग्लास में चाय पीते हैं ये पहाड़ियों की पहचान है ना जरूरी थोड़ी गांव में स्टील के ग्लास में तो पीते जाते हैं चलो आज का व्लॉग एंड करेंगे मेरे हस्बैंड चलो करो तो एक बार बोलो तो कुछ क्या बोलते तुम तो आज ज्यादा व्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा तो बता जरूर बताना इसके कैसे लग रहे हैं पकौड़ी आलू 20-20 चिपक रखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना पहाड़ी स्टाइल में ऐसी बनती है पहाड़ी स्टाइल में ऐसे नहीं बनती है कैसे बनती तो आज के व्लॉग करते हैं यहाँ पे अंत एंड और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए क्या बाय 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 अक्कू बाय करो अक्कू भी गिर गई थी ना